श्री राम भारत के कण कण में है, जन जन के मन में है। राम दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए भारतीय संस्कृति की आस्था का प्रतीक है। भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या को विश्व पटल पर भारत की एक प्रमुख पहचान के रूप में देखा जाता है। दुनिया भर से श्रद्धालु प्रभु के श्री चरणों में शीश नवाने आते हैं। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की महिमा में 500 वर्ष बाद नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होने वाली है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन व कार्य आरंभ 5 अगस्त 2020 को होने जा रहा है। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए रामनगरी सज धज कर तैयार हुई। राम भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर। खबर अयोध्या से। राम जन्मभूमि निर्माण का आगाज भूमि पूजन से हो रहा है, जिसकी आधारशिला खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। बुधवार को करीब 3 घंटे रामनगरी में पीएम मोदी रहेंगे और इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूं कहा जाए कि पूरी राम की नगरी को सुरक्षा कवच में जकड़ दिया गया है। हर चौक चौराहों के साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद नजर आ रहे हैं। सदियों के इंतजार के बाद राम भक्तों के जीवन में ये एक ऐतिहासिक पल होगा, जब लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अस्थाई मंदिर मिलने जा रहा है। इस ऐतिहासिक पल के लिए हिंदू राम भक्तों के साथ साथ मुस्लिम राम भक्त भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में कई बार जेल जाने वाले और पुलिस की लाठी सहने वाले शिवसेना के उत्तर प्रदेश प्रमुख संतोष दुबे जहां उत्साहित हैं, तो वहीं राम मंदिर के विरोध में मुकदमा लड़ने वाले स्वर्गीय हाशिम अंसारी व उनके बेटे इकबाल अंसारी को निमंत्रण पत्र दिए जाने का विरोध करते हुए AHN संवाददाता नौशाद आलम से खास बातचीत की। जबकि मुस्लिम राम भक्त बबलू खान ने कहा कि पूरी दुनिया के राम भक्तों को इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था और अब वो समय आ गया है जब भगवान राम का वनवास खत्म हो रहा है और उनके भव्य मंदिर के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। गौरतलब है कि भूमि पूजन कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरी राम की नगरी अयोध्या धाम को दुल्हन की तरह से सजाया गया है और राम की पैड़ी सहित तमाम मठ मंदिरों के अलावा अयोध्यावासी भी अपने मकानों पर दीपक जलाकर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। कुल मिलाकर राम की नगरी में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और आज ये तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न होगा। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। ये बहुत शुभ घड़ी है। कल का दिन हमारे देश का ये पहला बहुत खुशी का दिन होगा। कल का तारीख हिंदू मुस्लिम एकता का तारीख होगा। कल का तारीख राष्ट्र के निर्माण का तारीख होगा। कल का तारीख देश के विकास का तारीख होगा। यहाँ का मुस्लिम पलके बिछाए हुए बैठा है, दीप जलाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के पवित्र धरती पर आएंगे और शिला पूजन कर जाएंगे, हम लोग पूरे मुस्लिम समाज के लोग पूरी तरह से दीपावली मनाएंगे, दिया जला करके खुशी का इजहार करेंगे और इस बार दीपावली बहुत भव्य होगा, क्योंकि 14 वर्ष वनवास काटने के बाद रामलला अवध के धरती पर आए थे, तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार रामलला का वनवास हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रहा है और मैं कहना चाहता हूँ, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हिंदुस्तानी हैं, हम सब भाई हैं, हम सब हिंदुस्तानियों का DNA एक है, इसमें ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, हम सब भाई हैं और राम हमारे पूर्वज हैं, हम सब राम के वंशज हैं और मैं कहना चाहता हूँ, कई पैगंबर में एक पैगंबर